हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। और इस वीडियो का टॉपिक हमें जायद शोभन ने दिया है। आज का टॉपिक है पर मैन शुड बी बैंड इन इंडिया, आई मीन इंडिया में ये बैन हो सकता है किन कारणों से। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको भी ऐसे ही कुछ न्यू वीडियो जाननी है या फिर आपके पास भी कोई नया टॉपिक है तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चार्ली इंट्रो लगा दो मेरे दोस्त। ओके मेरे दोस्त, इंट्रो लग जाता है। एक कमाल की न्यूज आ रही है, पोकेमॉन बैंड होने वाला है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, ये बैंड न्यूज पोकेमॉन पोकेसाइल से आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो परमैन के तीन कारण हैं जिससे परमैन बैंड होना चाहिए इंडिया में, और ऐसा मैं नहीं, ऐसा जाया सोहन जी कहते हैं। पहला, जो परमैन का कॉपी रोबोट है, परमैन अपने सारे काम उसी से करता है। परमैन का असली नाम तो मिस्यो है, यानी वो सारे काम अपने कॉपी रोबोट से कराता है। होमवर्क से लेके घर के सारे काम, मॉम मार्केट बाजार कहीं भी भेजती हैं तो बोलती है जाओ कॉपी रोबोट, तुम्हें मेरा कहना सुनना होगा। इस तरह से हमारे इंडिया पे गलत रेफरेंस हो रहा है, यानी कि ज़्यादा ही उससे काम कराते हैं और अपनी पढ़ाई करते रहते हैं पर मैं। इसलिए यही सबसे बड़ा कारण है उसके इंडिया में बैन होने का। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पर मैं के इंडिया में बैन होने का, वो मैं बताता हूँ आपको। तो जो बर्मैन का दूसरा सबसे बड़ा कारण बैन होने का, वो है पावर का मिसयूज़। जी हाँ, कभी कभी बर्मैन को पावर तो लोगों की भलाई करने के लिए मिली है, लेकिन वो कभी कभी उसका मिसयूज़ भी करने लगते हैं, किसी गलत कामों के लिए भी, कहीं किसी इंप्रेशन के लिए भी ऐसे कुछ करता है। तो चार्ली आगे तुम बताओ। बर्मैन है वो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, मुझे बूबी तौर भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी परमैन पावर का मिस यूज़ करता ही है दोस्तों। आपको जैसे पता ही है, अगर आपने परमैन देखा है, अगर परमैन नहीं देखते तो अभी भी मार्वल एचक्यू पे चलता है 5:30 बजे के टाइम पे शायद से। चार्ली तुम आजकल अच्छे से आवाज़ नहीं दे रहे हो, तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं है क्या? नहीं, अपनी आवाज़ तो मुझे सुनाना, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है चार्ली। परमैन को बैटमैन ने पावर दी है, ये तो आपको पता ही है। पर बॉस को छोड़ो, अभी मैंने उसे फ्राई बना दिया तो वो अभी नहीं आएंगे जब तक मैं ही बता देता हूँ परमैन के और कुछ बारे में। तो परमैन जो है वो तो सच में एक कमाल है, पर यहाँ उसकी कमाई जो नहीं हो रही है बल्कि हम बता रहे हैं कि वो बैन हो सकता है, जो तीसरा सबसे बड़ा कारक है उसके बैन होने का। परमैन आ गया तो तू मुझे बैन करना चाहता है, ले टिशु मैं यहाँ से। हाँ चला परमैन। तो परमैन के बैन होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है इतनी कम उम्र में, यानी अभी परमैन के अंदर नहीं 10 साल का भी होगा, 10 या 12 साल का, लेकिन वो चार गर्ल के साथ रिलेशन करते हैं। आई मीन पहले हो के मिच को, पाको, मिस सुमीरे और भी बहुत सारे लड़के हैं पर मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि जिससे हमारे इंडियन पे गलत रेफरेंस यानी सीख मिलती है बच्चों को, तो वो भी स्कूल में ये सब ट्राई करेंगे, जिससे करके काफ़ी नुकसान टाइप का होगा। तो आप समझ सकते हैं, फोटो आप देख सकते हैं अलग अलग। तो चाल ली है तुम कुछ करो, अलग अलग कितना तरह से जब देखो, हाँ कहीं से एक कहीं से एक तो मेरे चीज मिलेगी, तो यही सिखाते हैं परमैन वाले हमें। हाँ तो इसीलिए परमैन के यही वो कारण थे जिसे इंडिया में परमैन बैन होना चाहिए। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, समझ गए आप लोग, इससे ज़्यादा कोई वीडियो हो नहीं सकती थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना कि क्या सच में पर, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या परमैन को बैन होना चाहिए इंडिया में। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, नहीं तो भी कमेंट में लिखिए।
वहाँ परमैन, जो परमैन के फैन है, तो उन्हें बता दूँ कि परमैन मार्वल एचक्यू में मंडे टू फ्राइडे चलता है 5 बजे शाम के। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार।